हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। रोशनी, क्या किया तुमने? छोड़ो मेरा हाथ, छोड़ो मेरा हाथ। नहीं, प्लीज भगवान के लिए मेरा हाथ छोड़ो। ये आयो, ऊपर आओ। मेरा हाथ छोड़ो, प्लीज मेरा हाथ छोड़ो, मेरा हाथ छोड़ो। हाथ अपना। अरे मैडम, कहाँ जा रही हो अकेली अकेली? चल चल चल, बस 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 बस। अरे मैडम बोलो ना, कहाँ जा रही हो, बोलो तो। तुमसे मतलब तुम लोग जाओ जहाँ जा रहे हो। अरे काफी रात हो गई है मैडम, अकेले जाना ठीक नहीं, कहो तो घर छोड़ दे। तुम लोग अपना रास्ता नापते हो या मैं पुलिस को? अरे हम तो आपकी मदद करना चाहते हैं और आप है की खामखा नाराज हो रही है। क्या बोला पुलिस को? भगवान के लिए प्लीज मुझे छोड़ दो और मुझे मेरा सामान दे दो, प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज। हम तो आपकी मदद करना चाहते हैं और आप है की तुम लोगों की मदद नहीं चाहिए, प्लीज मुझे जाने दो। अरे नहीं चाहिए मदद, नहीं चाहिए मदद। प्लीज मैं तुम्हारा हाथ जोड़ के मुझे जाने दो, प्लीज। लगता है लड़की को छेड़ रहे। बैग मुझे वापस कर दो प्लीज। आ जाओ मैडम, ले लो। प्लीज मुझे जाने दो। अरे भाग, ये तो सुपर स्टार कुशल है। रुको, भाग, निकल जल्दी, निकल जल्दी। रुको रुको। आप ठीक तो हैं? उन लोगों ने मेरा रास्ता रोकने की कोशिश की और मुझसे बदतमीजी की। इन लोगों का तो काम ही है, आवारा कहीं के। वैसे आप जा कह रही थी? घर। और आपका घर कहाँ पर? जीएन रोड। चलिए मैं आपको छोड़ देता हूँ। नहीं नहीं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं चली जाऊंगी। अरे मैडम सुनिए ना, देखिए आगे चल के फिर मिल सकते हैं वो लोग आपको, आप भरोसा रखिए। चलिए मेरे साथ। नहीं नहीं, मैं चली जाऊंगी। आपको ड्रॉप कर देता हूँ, आइए। दरवाजा खोलिए, मीडिया को आपसे बात करनी है। दरवाजा खोलिए, मीडिया को आपसे बात करनी है। क्यों बैठे हैं आप? छिपके क्यों बैठे हैं? नहीं खोलते। अरे रुक जाओ, देखिए साहब उठ जाएंगे, उसकी गाड़ी पड़ेगी। कुशल सर, दरवाजा खोलिए। आप छिपके क्यों बैठे हैं सर? दरवाजा खोलिए सर। कौन सुबह सुबह दरवाजा पीट रहा है यार? खोलिए दरवाजा। दरवाजा खोलिए। कुशल सर, मीडिया आपसे बात करना चाहती है। खोलिए दरवाजा, खोलिए दरवाजा सर। क्या यार, आ रहा हूँ, क्यों शोर मचा रखा है? प्लीज दरवाजा खोलिए, मीडिया को आपसे बात करना है। कौन है इतना सुबह सुबह? सर क्या है ये सब, आप लोगों ने भीड़ क्यों लगा रखी है? सर कल रात की घटना के मामले में आपको क्या कहना है? कैसी घटना? सर आप क्यों अनजान बन रहे हो? आप ऐसी शर्मनाक हरकत कैसे कर सकते हो? क्या आप भूल गए कि आप एक पब्लिक पर्सनालिटी हैं? एक मिनट, आप लोग क्या बोल रहे हैं मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो सुबह होते ही आप रात के बारे में भूल गए? आप क्या सोच रहे हो, क्या ये बातें छिप जाएंगी? देखिए आप क्या बोलना चाहते हैं मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, आप साफ साफ बोलेंगे। सर हम उस लड़की के बारे में बात कर रहे हैं जिसके साथ कल रात आप बदतमीजी से पेश आए थे। मैं किसी के साथ बदतमीजी से पेश आया? आप लोग होश में तो हैं? सर आप अपनी बात कीजिए, उस लड़की ने आप पे छेड़खानी करने का और बदतमीजी करने का आरोप लगाया है। सारे के सारे न्यूज़पेपर आपके इस घटिया कारनामे से भरे पड़े हैं। ओ, क्या आप लोग कल रात के बारे में बात कर रहे हो? हाँ, कैसे कर सकते हैं आप ऐसा? देखिए मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, आप लोग प्लीज यहाँ से जाइए। सर ऐसे ना कहने से ये मामला दबने वाला नहीं है, आपको जनता को जवाब देना पड़ेगा। देखिए मुझे जो कहना था मैं कह चुका हूँ, अगर आप लोग मुझे परेशान करेंगे तो मुझे मजबूरन पुलिस को बुलाना पड़ेगा। गार्ड प्लीज। सर सर सर, एक्सक्यूज मी सर, सर सर जनता जवाब चाहती है। सर आपने जवाब दिया, ऐसे नहीं जा सकते। ओह गॉड, ये क्या हो गया? मैंने तो उसकी मदद की थी और उसने मुझे ही फंसा दिया। अब तो मेरी पूरी
दुनिया में बदनामी हो जाएगी। मुझे पता लगाना होगा उसने ऐसा किया क्यों। मैंने पढ़ा है न्यूज़पेपर, ये सब झूठ है, ये मुझे फंसाने की किसी की साजिश है। तुम एक काम करो, आधे घंटे के अंदर अंदर मुझे डीएन रोड पे मिलो, ठीक है? मैं बताता हूँ मिलके। और सुनो, कोई भी पूछे तो बोलना ये सब झूठ है, ओके? चलो ठीक है, जल्दी आना, ओके बाय। सामने तो मीडिया वाले, मुझे पीछे के रास्ते से निकलना हो। बस भाई साहब, बस यहीं पर रोक दीजिए। भाई कुशल लग रहा है। मुझे भी यही लग रहा है। चल चल देखते हैं। चल कुशल, ये कैसा हुलिया बना रखा है तूने? क्या करूं यार, जो अखबार में छपा है उसके बाद अगर लोगों ने मुझे पहचान लिया तो मेरे सर पे बाल भी नहीं बचेंगे। यार सिर्फ इस अखबार की बात मत कर, सारे न्यूज चैनल्स पे यही खबर दिखाई जा रही है, और वो भी नमक मिर्च लगाकर। पर तूने ऐसा किया क्यों यार? अभी अब तू भी यही कहेगा क्या? तू मुझे 10 साल से जानता है, मैं ऐसा कर सकता हूँ? तो क्या उस लड़की ने झूठा स्टेटमेंट दिया है? सरासर झूठा स्टेटमेंट है। लेकिन ये जो तेरी और उसकी फोटो छपी न्यूज़पेपर में, ये भी झूठी है? यार फोटो झूठी नहीं है, मैं मिला था उससे। मतलब तू उसे पहले से जानता है? यार मैं उसे पहले से नहीं जानता, मैं कल रात को शूट से घर वापस आ रहा था तो तू भी ना कुशल, इतना बड़ा आदमी बन गया लेकिन सुधरा नहीं। तेरी तो आदत है ना कि राह चलते लोगों की मदद करना। मुझे क्या पता था ऐसा होगा। लेकिन कुशल ये बता कि हमें यहाँ क्यों बुलाया है? यार कल रात को मैंने उस लड़की को यहीं ड्रॉप किया था और उसने बताया था कि उसका घर वो वाला है। उसके पास जाके पूछते तो हैं उसने ऐसा क्यों किया। हो सकता है उस लड़की के जरिए कोई मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहा हो। चलो चल चल। कोई दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा? अरे दरवाजा तो खुला है। कोई है? क्या है ये सब? कोई है अंदर? यहाँ कोई है या नहीं? हाँ यार, पूरे घर में धूल मिट्टी है यार, ये फर्नीचर भी ढका हुआ है, मुझे नहीं लगता यहाँ कोई रहता होगा। मगर उसने तो कहा था कि वो इसी घर में रहती है। झूठी लड़की, उसका ये झूठा घर। चुप कर यार, पहले देखो कोई है। तू वहां पर देख, कोई है अंदर? कोई है अंदर? हेलो, कोई है? कोई है? क्या हुआ रोहन? ओह गॉड, सिड, ये क्या हो गया? अपना सिड मर चुका है कुशल। ओह गॉड, इसे किसने मार दिया? पता नहीं, मैं एक काम करता हूँ, सीआईडी को कॉल करता हूँ। हाँ ये सही रहेगा। हेलो सीआईडी। सर सर, ये मेरा दोस्त सिड है।
सर के पीछे किसी भारी चीज से वार किया गया। अच्छा क्या इसके बदन पे कोई चोट के निशान, हाथापाई के या हथियार वत्यार के? नहीं सर, और तो कोई निशान दिख नहीं रहे। एक काम करो फ्रेडी, जयवंती, घर को अच्छी तरह से चेक करो, एक एक कोना छान मारो, देखो कोई सुराग मिलता है क्या, है? कुछ तो मिलेगा। तुम लोग यहाँ ढूंढते ढूंढते इस घर पे पहुंच गए। हाँ सर, कल रात को जब मैंने उसे छोड़ा था तो वो इसी घर की तरफ आई थी। वो हमारी गर्लफ्रेंड थी या जान पहचान वाली? नहीं सर, मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं है। कल रात को कुछ लड़के उसे छेड़ रहे थे तो मैंने उस लड़की को उन लड़कों से बचाया। है ना बड़ी अजीब बात, तुम उसे मदद करने निकले तो उसने तुम्हें ही फंसा दिया है? सर देखिए ना सर, न्यूज़पेपर में उसने मेरे बारे में क्या क्या छपवा दिया है। सर मैं कुशल को बचपन से जानता हूँ, कुशल ऐसा कर ही नहीं सकता, जरूर उस लड़की ने झूठ बोला है। ये सिड यहाँ कैसे आया और क्यों, इसके बारे में आप लोग कुछ जानते हैं? नहीं सर, हमें तो कुछ नहीं पता। लड़की कल यहाँ पे आती है जिसकी कुशल ने कल मदद की, और उन लोगों के हिसाब से उसने झूठा बयान देके इसे फंसा दिया है। उस लड़की का कुछ आता पता नहीं है, सिड यहाँ कैसे आया, उसका खून कैसे हुआ, उसके बारे में भी इन्हें कुछ पता नहीं है। वही तो अभिजीत, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है, ये लड़की गड़बड़ है। काम करते हैं, आसपास जाकर पूछताछ करते हैं, शायद किसी ने कुछ देखा हो। और तुम एक काम करो अभिजीत, प्रेस वालों के पास जाओ और पता लगाओ ये बयान उस लड़की ने कब दिया, शायद उस लड़की का एड्रेस भी मिल जाए उनके पास। कविता, ऐसे ठंडी खबरों से काम नहीं चलता है, कोई तड़कती भड़कती खबर लेकर आओ। जैसे एक पार्टी में दो एक्ट्रेस के डॉगीज आपस में लड़ बैठे, उसके चलते दोनों एक्ट्रेस खुद ही आपस में भिड़ बैठी। समझ आई? यू हैव टू गो थ्रू इट। मैम मैंने बहुत कोशिश की लेकिन। कविता ये लेकिन, इफ, बट, किंतु, परंतु, मैम जैसे एक्सक्यूजेस एक्सेप्टेबल नहीं है। इन्हीं एक्सक्यूजेस किंतु परंतु को मोहरा बनाओ, इसे एक बड़ी खबर बनाओ। समझ आई? गो। हेलो अरिमा जी। इंस्पेक्टर अभिजीत, आप हमारे ऑफिस में? क्या करें, आपकी न्यूज खींच के ले आई है यहाँ पे। कौन सी न्यूज? ये जो आपने छापी आज, ये एक सुपरस्टार कुशल पे किसी लड़की ने आरोप लगाया है। तो आप इस सनसनी खेज खबर की बात कर रहे हैं? जी हाँ, हमारे स्टार रिपोर्टर अमे ने ही ये खबर छापी है। I'll call him. अमे? Yes, ma'am. प्लीज आइएगा। Yes, ma'am. Yeah. ये लोग CIT से हैं और वो रोशनी वाली न्यूज के बारे में इनको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए। यस सर, बताइए। ये न्यूज आपको कहाँ से मिली? सर हमें उस लड़की ने फोन पे बताया कि उसको कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी है अबाउट सुपरस्टार कुशल, सो शी वांटेड टू मीट अस। फोन कितने बजे आया था आपको? सर अराउंड 10:30। तो तुम लोग उससे मिलने गए थे? यस मैम, मैम उसने हमें बताया कि वो नया नगर में एक कॉफी शॉप है, हमसे वहीं मिलेगी। कॉफी शॉप? कौन सी कॉफी शॉप? सर डुमडुमा कॉफी। क्या बताया उसने कुशल के बारे में? वही सर जो खबर न्यूज में छपी है, उसने बोला कि आज रात थोड़ी देर पहले एक्टर कुशल ने बीच रोड में उसके साथ बदतमीजी की, उसके साथ छेड़खानी करने की कोशिश की वगैरह। उसने कहा और तुमने मान लिया? मैम उसके पास प्रूफ था, उसकी और कुशल की बीच रोड पे एक साथ फोटो। ये कोई एड्रेस वगैरह दिया उस लड़की ने? नहीं सर, और हमने मांगा भी नहीं, एक्चुअली वो बहुत सैड लग रही थी। ओके अमे जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू अरिमा जी, मोस्ट वेलकम। डुमडुमा कॉफी शॉप में जाके देखते हैं, शायद ये लड़की वहां आती जाती हो। एक्सक्यूज मी, CID, आप जरा ये फोटो देखिए, ये लड़की कल रात यहाँ पे आई थी क्या? हाँ सर, ये तो अक्सर यहाँ आती रहती है, आप उस छोटू से पूछ लीजिए। छोटू जी सर। तो ये फोटो देखो,
ये लड़की कल रात यहाँ आई थी क्या? साहब ये तो रोशनी मैडम है, ये कल रात भी आई थी, ये तो हर रोज आती है साहब। रोज आती है? हाँ साहब, ये हर रोज 1 से 2 के बीच में आती है, ऑफिस का जो लंच ब्रेक होता है ना साहब, उस टाइम पे। किसी ऑफिस में काम करती है ये? कपड़े तो ऑफिस के ही पहनती है, बिल्कुल टिप टॉप रहती है साहब। कौन से ऑफिस में काम करती है? साहब ये तो नहीं पता मुझे। अच्छा किस तरफ से आती है कुछ मालूम है? साहब वो उस तरफ से आती है। राइट से? जी साहब। राइट साइड में जो बिल्डिंग है वहीं देख लेते हैं, शायद वहीं कहीं ऑफिस हो। क्या बात है सर? ये बाजू वाला घर किसका है? पता नहीं, जब से हम यहाँ आए तब से तो घर बंद ही पड़ा है, क्या हुआ सर? इस लड़के को पहचानती हैं आप? क्या हुआ इसे? मर गया ये, इसकी लाश मिली हमें उस घर में। ओ मर गया ये? कल रात को ही देखा था मैंने उस घर की तरफ जाते हुए। क्या ये अकेला था या इसके साथ में कोई और भी था? एक लड़की भी थी इसके साथ। लड़की भी थी? अच्छा, कौन लड़की थी वो, कुछ जानती हो उसके बारे में? वही लड़की सर, जिसकी आज सुबह सुपरस्टार कुशाल के साथ फोटो आई थी अखबार में, दोनों हंसते हुए जा रहे थे उस घर में। मतलब रोशनी और सेठ एक दूसरे को जानते थे? दोनों हंस हंस के बातें करते हुए उस घर के अंदर गए, और मुझे शक हुआ कि ये खाली पड़े घर के अंदर क्यों जा रहे। थोड़ी देर बाद वो लड़की घर से बाहर निकली, लेकिन फिर मैंने देखा कि वो अंदर गई नहीं। और ये लड़का, वो कहाँ गायब हो गया? फिर तो सर मैं सोने चली गई। अब आप ही बताए किसी के मामले में पड़ के मुझे क्या करना। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारी मदद करने के लिए। समझ में नहीं आ रहा ये सारा चक्कर है क्या? रोशनी और सिद्ध एक दूसरे को जानते थे, वो दोनों यहाँ आकर मिले इस घर में, जरूर दोनों के बीच में प्लानिंग हो गई कुशल के बारे में। फिर रोशनी चली गई, मगर किसी ने सिड को मार डाला। क्यों और फिर किसने? मनोज ये सर, ध्यान किधर रहता तुम्हारा? जो बिल तुमने क्लाइंट को भेजा था वहाँ 2 बिल मिसिंग है, तुमने ऐड ही नहीं किया। सर मैंने अपने हिसाब से बिल लगा दिया था सर। तुम्हारे हिसाब से ये ऑफिस नहीं चल सकता, जवाब बॉस को मुझे देना पड़ता है। अभी चेक करो, तुम्हारे पास जो ऑर्डर आया था वो पूरा हो गया? सर आज शाम तक डिलीवरी हो जाएगी। शो मी द फाइल। बता देना मुझे। एक्सक्यूज मी। यस सर। सीआईडी। जरा ये फोटो देखिए, ये लड़की आपके यहाँ काम करती है? ये तो रोशनी है। कहाँ ये रोशनी? नम्रता, रोशनी कहाँ? सर उसकी तबीयत ठीक नहीं है, अभी अभी बाहर गई। चली गई? क्या हुआ उसे? सर कल रात जो उसके साथ हुआ उसकी वजह से वो थोड़ी अपसेट है। अच्छा, किस तरफ गई है कुछ मालूम है आपको? सर इधर कॉरिडोर की तरफ गई है, कह रही थी एक फोन करके आती हूँ, काफी देर हो गई। अच्छा, और भी जरा देखो। सर कब से काम कर रही है रोशनी यहाँ पे? यही 2 साल। रोशनी, सीआईडी तुमसे कुछ बात करनी। सीआईडी? ए रुक, रोशनी
एक मिनट, एक्सक्यूज मी, पीछे हटिए, हटिए पीछे हटिए, चलो। ये तो रोशनी है, ये नीचे कहां से गिर गई? सर, ये मर चुकी है। माय गॉड, लगता है हमसे बचने के लिए छत पे चली गई और वहां से कूद गई। लेकिन सर, इसके पीछे तो पूर्वी गई थी, वो कहां गई? पंच, ये पूरा एरिया सील करो, इसको फॉरेंसिक लैब भेजो। यस सर। चलो छत पे देखते हैं। हेलो, एम्बुलेंस सर, पूर्वी, 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 क्या हुआ इसे? सर, ये बेहोश है। ओ माय गॉड, जरा पानी लेके आओ जल्दी। पूर्वी, 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 ठीक हो तुम? आराम से आ जाओ। कैसे हुआ ये सब? पता नहीं। ये कैसे? सिर से खून निकल रहा तुम्हारे? इसको हॉस्पिटल ले चलो जल्दी। नहीं सर, सर मैं ठीक हूँ। सर, सर रोशनी? रोशनी, शी इज नो मोर, वो नीचे गिर गई। क्या? सर मैंने उसे बचाने की बहुत कोशिश की सर, लेकिन ठीक है, तुमने कम से कम कोशिश तो की है। अच्छा ये बताओ, वो तुम्हारे हाथ से फिसल गई या फिर उसने जबरदस्ती हाथ छुड़ाया? सर, सर जब मैं उसे ऊपर खींचने की कोशिश कर रही थी तब तब मेरे सर में कुछ लगा और फिर मैं बेहोश हो गई। मतलब तुम्हारे सिर पे किसी ने कुछ मारा? हाँ सर। मतलब कोई यहाँ पे था जो नहीं चाहता था तुम रोशनी को बचा सको? तुम उसको बचाने की कोशिश कर रही थी, उसने तुम्हारे सिर पे किसी चीज से मारा और तुम बेहोश हो गई। लेकिन सर टेरेस पे तो हम दोनों के अलावा और कोई नहीं था। नहीं तो फिर तुम खड़ी हो सकती हो? आराम से, आराम से, हाँ धीरे से। यहाँ पे नहीं था लेकिन आसपास कहीं पे था। ये पत्थर देख रही हो, इस पे खून लगा हुआ है, शायद किसी ने ये पत्थर तुम्हें खींच के मारा, तुम बेहोश हो गई और फिर रोशनी का हाथ छूट गया और मर गई। सर ये कौन हो सकता है? कोई रोशनी का ऑफिस वाला हो सकता है। सर समझ में नहीं आता, इतनी कौन सी बड़ी बात होगी जो उसने अपनी जान दे दी? मुझे तो डर लग रहा है कि सीआईडी आके ऑफिस ना सील कर दे। सर जो भी हुआ है वो सीआईडी के सामने हुआ है, तो इसमें ऑफिस क्यों सील करेंगे हम? बोलो रोशनी, आप लोगों के साथ काम करती थी और दिन का अच्छा खासा वक्त आप लोग साथ में गुजारते थे, क्या लगता है आपको क्या वजह हो सकती है उसका इस तरह खुदकुशी करने के पीछे? कल रात उस सुपरस्टार कुशल ने जो रोशनी के साथ बदतमीजी की थी उसको रोशनी काफी अपसेट थी। नहीं, बात कुछ और ही है। और कोई बात होगी तो हमें नहीं पता, लेकिन कल जब वो आई थी ऑफिस तब वो नॉर्मल थी। आजकल तो वो बहुत खुश रहती थी, सबसे अच्छे से बात कर रही थी, हंसी मजाक बोलना। सर सब कुछ तो ठीक ठाक चल रहा था, वो सब काम बहुत दिल से करती थी। आजकल खुश रहती थी मतलब क्या, क्या वजह थी, कुछ बताया उसने? आजकल रोशनी और उसका बॉयफ्रेंड दोनों साथ में रहने लगे थे, दोनों बहुत जल्द शादी भी करने वाले थे। बॉयफ्रेंड? कौन है उसका बॉयफ्रेंड? एक छोटा मोटा एक्टर है, सिड। सिड? कहाँ रहते हैं दोनों साथ साथ? ये तो नहीं पता मैडम। ये सिड तो कुशल का दोस्त था और रोशनी सिड की गर्लफ्रेंड, और दोनों मारे गए और रोशनी ने कुशल को पर इल्जाम लगाया था कि उसने उसके साथ छेड़खानी की है। सर कहीं ये ट्रायंगल लव स्टोरी का कोई चक्कर तो नहीं है? क्या बता, हो सकता है। सर एक अजीब बात और है, सर कुशल ने हमें ये नहीं बताया कि रोशनी उसके दोस्त सिड की गर्लफ्रेंड थी। हाँ सर, उसके बर्ताव से तो ऐसा लग रहा था कि वो पहली बार रोशनी से मिला था। हो सकता है कुशल को ना मालूम हो सिड और रोशनी के रिलेशनशिप के बारे में, रोशनी हो सकता है पहली बार ही मिल रही हो। एक काम करो, ये सिड का एड्रेस कहाँ रहता है पता लगा। क्या बात है पूर्वी, तुम अभी तक बहुत मायूस नजर आ रही हो। सर मैं वो हादसा भूल नहीं पा रही हूँ, ऐसा लग रहा है मैं रोशनी को बचा सकती थी। पूर्वी तुमने कोशिश की थी ना,
कोशिश करना हमारा फर्ज है, हर वक्त नतीजे हमारे हाथ में नहीं होते। जी बोलिए। हम लोग सीआईडी से। सीआईडी? टूट डाली मेरी नाक। ये लड़का है लंबू। ज्यादा लगे क्या? ज्यादा, पूरा सर झंझना गया मेरा। इधर आ, कहाँ छुपके बैठा है? हम लोग यहाँ सिर्फ तुमसे बात करने आए हैं और तू छिपके बैठा है उधर, है? नहीं नहीं, आप हमको पकड़ने आए हैं आप। घबराओ मत, हम बदमाशों को पकड़ते हैं, अच्छे लोगों को नहीं। पक्का आप हमको लेके तो नहीं जाएंगे ना अपने साथ? अरे नहीं ले जाएंगे भाई। सब ठीक है सर, दिखने में तो ये काफी सीधा साधा लग रहा है। कौन हो तुम और यहाँ सेठ के घर में क्या कर रहे हो तुम? चेतन नाम है हमारा, भैया के गांव के रहने वाले हैं और यहाँ पे काम करते हैं। अच्छा, मतलब घर की देखभाल करते हो तुम? जी, अभी कुछ देर पहले भैया के एक दोस्त का फोन आया था और वो कह रहा था कि भैया मर गए, हमारा क्या होगा? चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। देखो, रोने से तुम्हारे भैया वापस नहीं आएंगे, हैं? ये बताओ, ये सिद्ध किसी परेशानी में था क्या? हाँ, वो परेशान तो थे, लेकिन जब से रोशनी मैडम घर पर रहने आई थी तो परेशानी कम हो गई। रोशनी यहाँ रहती थी? जी मैडम जी। क्या क्या परेशानी क्या थी सिद्ध को फिर? कभी उन्होंने बताया नहीं, लेकिन हमेशा परेशान रहते थे और शायद उनका काम ठीक नहीं चल रहा था। सिद्ध क्या काम करता था? जी साहब, वो फिल्म में हीरो बनना चाहते थे और हरदम कहते थे कि कुशल सर की तरह एक दिन उनकी भी किस्मत चमकेगी। वो सुपरस्टार कुशल की तरह? हाँ, वो भैया के बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन जैसा मदद चाहिए था वैसा मदद नहीं किए भैया का, इसलिए भैया हमेशा दुखी रहते थे और कहते थे कि उन्होंने धोखा दिया है भैया को। और क्या बता सकते हैं? 3 महीने पहले वो एक रात घर पर आए थे और भैया के और उनके बीच में बाताबाती हो गई, और उस दिन के बाद जब भी कुशल सर का कोई प्रोग्राम टीवी पर आता था भैया टीवी बंद कर देते थे गुस्से से। लेकिन अब हमारा क्या होगा साहब? एक मिनट, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। हम लोग बहुत जल्द तुम्हें एक अच्छा सा काम दिला देंगे, ठीक है? और ये रिकॉर्ड रखो हमारा, जब भी कोई बात हो, कोई परेशानी हो, इस नंबर पर फोन करना, हम लोग आ जाएंगे, ठीक है? जी धन्यवाद। जाओ पानी वानी पियो। ये सिड को कुशल की कामयाबी से जलन होने लगी थी और रोशनी सिड की गर्लफ्रेंड थी जिसने कुशल के ऊपर ये आरोप लगाया था कि कुशल ने उसके साथ बदतमीजी की। नहीं, ऐसा तो नहीं कि जो स्टेटमेंट उसने मैगजीन और पेपर में दिया था वो सब गलत हो? सर मतलब सिड और रोशनी ने कुशल से बदला लेने के लिए उसे बदनाम करने की कोशिश की? लग तो ऐसा ही रहा है, लेकिन पहली ये है कि ये सब करने के बाद रोशनी ने आत्महत्या क्यों की और सिड को किसने मारा? सर इन सब के पीछे कहीं कुशल तो नहीं है? कुशल नहीं लग रहा है, वो तो वैसे ही आज की घटना से परेशान है और ये सारी बातें हैं कल रात की। उसे तो ये भी नहीं पता होगा कि इन लोगों ने उसे बदनाम करने की साजिश की थी। कुशल नहीं, कोई और ही। हाँ डॉक्टर सारंग। क्या हुआ, इतना परेशान क्यों लग रहा है? बस बात ही ऐसी है कि आप सुनेंगे ना आप भी परेशान हो जाएंगे। अरे लेकिन परेशानी तो बता। नहीं नहीं, परेशानी मेरी नहीं है, परेशानी दरअसल इस केस में। सालू के साथ केस तो एकदम साफ साफ दिख रहा है, रोशनी की मौत तो छत से गिरने से हुई है ना? यही परेशानी नहीं, मतलब ये केस बॉस, अगर ये छत से नहीं गिरती तब भी इसकी मौत होनी थी। वो कैसे? जहर से। इसकी मौत जहर की वजह से हुई है, इसे जहर दिया गया। जहर?
हाँ सर, इसके इंटेस्टाइन में से हमें जहर के ट्रेसेस मिले और चाय के जरिए ये जहर दिया गया था। चाय के जरिए? ये कैसे पता चला? इसकी ऑटोप्सी में हमें इसके पेट में चाय मिली है और उस चाय में जहर मिला हुआ, और ये जहर इतना खतरनाक है कि 20 मिनट के अंदर अंदर इंसान की मौत हो जाती है। मतलब रोशनी अगर पूर्वी के हाथों से नहीं छूटती तो भी बेचारी मर जाती जहर की वजह से। इसका मतलब है जहर उस ऑफिस वाली चाय के अंदर ही था। पूर्वी, अब तो तुम्हारे मन का बोझ उतर गया होगा। सर एक बात और, ये पत्थर जो आपको टेरेस से मिला था, इसमें किसी के उंगलियों के निशान मिले हैं। बस किसी ने पत्थर उठाकर पूर्वी की तरफ जोर से फेंका और इसकी वजह से उंगलियों के निशान आ गए। ये पत्थर पूर्वी को किसी ने फेंक कर मारा है, तो फिर जिसने भी ये पत्थर फेंका है पूर्वी की तरफ, उसी ने रोशनी के चाय में भी जहर मिलाया है। ये आदमी जरूर रोशनी के ऑफिस का ही कोई है। इतना बड़ा हादसा हो गया, अब मैं खुद ही कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा हूँ। क्या हुआ सर, कुछ पता चला रोशनी ने क्यों आत्महत्या की थी? पता चल जाएगा। तुम्हारी पेंट्री कहाँ है? पेंट्री वहाँ है, लेकिन क्यों सर? मरने से पहले रोशनी को जहर दिया गया था, शायद चाय या कॉफी में से। सर जहर? हमारे ऑफिस में चाय में जहर? मरने से पहले उसने चाय कॉफी पी थी, जाहिर है यहीं ऑफिस में ही पी होगी। मगर सर चाय तो हमने भी पी थी, हमें तो कुछ नहीं हुआ। सिर्फ रोशनी को हुआ, इसका एक ही मतलब है, अभिजीत की जहर रोशनी के कप में ही था। ये क्या कह रहे हैं आप लोग? यहाँ सबको मैं ही चाय देता हूँ, मैं क्यों जहर मिलाऊंगा? अभी पता चल जाएगा, रन का ख्याल रखो फ्रेडी। हाँ ठीक है, कर लीजिए आप लोग चेकिंग, जब मैंने कुछ किया ही नहीं तो मैं क्यों डरूं? ए, चुपचाप खड़ा रहे, यहाँ पे सब पता चल जाएगा। ये मग अलग हैं और ये इधर जो कप रखे हैं ये अलग हैं। क्या चक्कर है? ये हमारे नहीं है। ये? जी। तुम्हारे नहीं है तो फिर किसके? ये ऑफिस के बाहर जो चाय वाला है ये उसके हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ लोगों को हमारी बनाई हुई चाय कॉफी पसंद नहीं आती, इसलिए वो लोग बाहर से चाय कॉफी मंगा के पीते हैं। अच्छा, तो क्या उस बाहर के चाय वाले ने अपने कप्स दे के रखे यहाँ पर? चाय वाले का आदमी बोलता है कि मग हमारे रहने से हमें चाय की गिनती करने में आसानी होती है। तो रोशनी चाय बाहर वाले की पीती थी या यहाँ की? सर वो बाहर की चाय पीती थी। इनमें से रोशनी का मग कौन सा है? सर वो पिंक वाला रोशनी का है। ये? जी सर। तो फिर सबसे पहले इसी मग को चेक करना चाहिए बॉस। है इतनी चाय है इसमें, टेस्ट कर लेगा। कुछ पता चला? बिल्कुल पता चल गया बॉस। इस मग में है वो जहर, वही जहर है जो रोशनी की बॉडी में था। वैसे अभिजीत, चारों कप्स में चाय है लेकिन जहर मिला है सिर्फ रोशनी की कप में। इसका मतलब है कि ये चाय इस बाहर वाले के चाय में जहर नहीं था, बल्कि जिसने भी चाय लाकर पिलाई है रोशनी को, उसी ने जहर डाला है। सिर्फ रोशनी की चाय में इसने जहर मिलाया है। उठाओ इस चाय वाले को, उठाओ। टेक टी सर, मैटी इज वर्ल्ड फेमस।
अरे भाई सुनो। यस सर, यू डू वांटिंग सर? वांटिंग वांटिंग, और बिल्कुल वैसे ही चाय देना जैसे तुमने एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी में रोशनी मैडम को पिलाई थी। स्पेशल जहर वाली टी। सर मैंने कुछ नहीं किया सर, मार दो सर, गलती हो गई सर, मार दो। रोशनी के चाय में जहर क्यों मिलाया तूने? सर वो एक आदमी आया था, उसने मुझे 5,000 रुपए और एक पाउडर दिया था सर, और उसने कहा था कि पिंक कप में मिला देना, तो मैंने मिला दिया सर। मतलब सर वो आदमी जानता था कि रोशनी हमेशा पिंक मग में चाय पीती थी? कौन था वो आदमी? सर मैं उसे पहचानता नहीं हूँ सर, लेकिन हाँ सर उसकी दाढ़ी और मूछें थी सर, और ब्लैक कलर की टोपी और चश्मा पहना हुआ था सर। हाँ सर वो कार से आया था सर। गाड़ी में? सर लगता है वो आदमी भेस बदल के आया था। और बहुत कुछ जानता था रोशनी के बारे में, कहाँ से चाय पीती है और किस कप में चाय पीती है। ये तो कोई है ऑफिस का ही आदमी। जिसने भी रोशनी के चाय में जहर डालने के लिए कहा वो इस वक्त तुम सबके बीच में है, तुम सबके बीच में, और बहुत जल्द उसके हाथों में हथकड़ी होगी। सर उसने पूर्वी को पत्थर मारा है सर, उसे क्या लगा कि वो बच जाएगा? मार मार के चमड़ी उधर दूंगा उसकी। क्या बात कर रहे हैं सारुंग के साहब, नाम पता चल गया उसका? अरे अभिजीत क्या बोल रहे हो तुम? अरे भाई मैंने सिर्फ ये कहा फिंगरप्रिंट्स मिले, अब वो फिंगरप्रिंट्स किसके हैं, नाम कहाँ बताया तुम्हें यार? अच्छा 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 अच्छा, तो ये है वो है? क्या बोल रहे हो, कौन आदमी है वो है? अरे तुम्हें कुछ हो तो नहीं गया, कौन है वो? अरे शाहरुख साहब यहाँ तो शरीफों की तरह खड़ा हुआ है सबके बीच में। ग्रेट जॉब सर, ग्रेट जॉब। ग्रेट जॉब? अरे ग्रेट जॉब अभी होना बाकी है यार, मैंने सिर्फ ये बताया है अभिजीत कि देखो वहां पर फिंगरप्रिंट्स मिले, और फिंगरप्रिंट्स किसके हैं मैच करने के लिए पूरे स्टाफ के फिंगरप्रिंट्स लेने पड़ेंगे यार, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अरे कमाल कर दिया सर आपने, ये तो बिल्कुल कमाल हो गया। उसने क्या पहना है आपने ये भी नोट कर लिया था? अरे क्या क्या बोल रहे हो तुम यार, आई एम श्योर यू आर नॉट ओके। तुम एक काम करो, यहाँ आ जाओ, लैब में आ जाओ, मैं तुम्हारी तबीयत ठीक करता हूँ, आ जाओ। थैंक यू सारुंग के साहब, अब इसकी बारात हम लोग निकालते हैं। थैंक यू सर। ये जो इस आदमी को देखिए सर, इसके चेहरे पे हवाइयां उड़ी हुई हैं। उसी को देख रहा हूं। अरे कहाँ भाग रहा है, कहाँ जा रहा है? सर मैं तो वॉशरूम जा रहा था सर। चोरों की तरह भागते हुए हैं? चोर की दाढ़ी में तिनका, बताओ क्यों मारा तुमने रोशनी को? सर मैंने, बताओ जल्दी। सर मुझे तो ये सब काम के लिए पैसे दिए गए थे, मैंने ये सब नहीं किया सर। किसने किसने? जा, यहां से कूदेगा तो शायद बच भी सकता है, वरना गोली खा के नीचे गिरेगा तो सीधा मौत के मुंह में जाएगा। ये तो कुशल है, ये यहां क्या कर रहा है? ये भी आत्महत्या करने वाला लगता है, इसको बचाना होगा। सोच मत, जल्दी कूद। ठीक है,
नहीं कूदोगे ना तो गोली खाने के लिए तैयार हो जाओ। कुशल, कैसा दोस्त है तू? हाँ, दोस्त पे गोली चलाएगा? क्यों मारना चाहता था कुशल को? हाँ, जब तक ये जिंदा रहेगा मेरा एक्टिंग का काम कभी नहीं चलेगा। सारे अच्छे रोल यही हथिया लेता है, मेरा करियर डुबा दिया इसने। क्या बकवास कर रहा है तू? मैंने कब तेरा काम छीना? सामने तो तू कुशल का अच्छा दोस्त होने का नाटक कर रहा था और इसके पीठ पीछे रोशनी के जरिए इसे बदनाम करने की कोशिश है? अब ये बता, तेरे इस खेल में तूने रोशनी को कैसे शामिल कर लिया? रोशनी सिट की गर्लफ्रेंड थी, सीधी सादी लड़की। हमने उसे समझा दिया कि उसे हमारी एक फिल्म में एक्टिंग करनी है और उसके लिए उसे एक ऑडिशन देना पड़ेगा, इसीलिए उस दिन। हाँ रोशनी, हाँ तुम्हारे सिर्फ दो सीन है ऑडिशन के, एक तो रोड का और दूसरा कॉफी शॉप का। सोचो रोशनी, पहली फिल्म में तुम्हारे साथ इतना बड़ा एक्टर काम करने वाला है। रोशनी, रोड वाले सीन में कुशल तुम्हारे साथ है, पर कॉफी शॉप वाले सीन में कुशल के खिलाफ तुम्हें प्रश्न में बयान देना है, झूठा बयान। मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं इतने बड़े हीरो के बारे में ऐसी बातें नहीं बोलना चाहती, वो भी सारी झूठी बातें। अरे लेकिन ये सब ऑडिशन की डिमांड है, और वैसे भी तुम ये सब सिर्फ ऑडिशन में तो बोल रही हो, हकीकत में थोड़ी ना है। जब रोशनी ने तुम्हारा काम कर दिया था तो उसकी चाय में जहर क्यों मिलवाया? मुझे डर था उसे सच्चाई पता लगते ही वो सबको बता देगी, इसलिए उसे मारने का प्लान पहले से ही बना रखा था। और हुआ वही, उसे तुम लोगों की साजिश का पता चल गया, लेकिन खुद को दोषी मानकर उसने अपनी जान दी। और जिसने कुशल को बदनाम करने में तुम्हारा साथ दिया, तुम्हारा दोस्त सिद्ध, उसे क्यों मार दिया? मुझे धमकी देने लगा था कि मेरे सारे फिल्म्स में मेजर रोल्स उसे ही चाहिए, वरना वो कुशल को बदनाम करने वाली बात मीडिया को बता देगा। आप ही बताइए, मैं सारे मेजर रोल उसे कैसे दिला सकता था? इसीलिए उसे मारने के अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। दो दो खून किए फिर भी पेट नहीं भरा, अब कुशल की जान लेने चले थे, हैं? क्या मिला ये सब करके? एक्टिंग की दुकान तो बंद हो गई और जेल के दरवाजे खुल गए। जाओ बैठो जेल की सलाखों के पीछे हांसी को ऑर्डर आने तक। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।